बहुत अच्छा लगा एंड मेरा ओपिनियन ये है कि ये आज खत्म नहीं होना चाहिए एटलीस्ट एक हफ्ते यहाँ रहना चाहिए और पूरा सिरसा यहाँ आके सारे एग्जीबिशन देखना चाहिए इतना अच्छा है वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती ये खुद आके इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेना है एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू सर आपने ये जो देखा है प्रदर्शनी में सबसे अच्छी प्रदर्शनी किस तरह की आपको अच्छी लगी कैसी वैसे सबसे अच्छी मुझे लगी वो पहले जो राजस्थानी और वो एक अफ्रीकन सिदानी और ये बंगाली का क्योंकि हर एक पेंटर का टैलेंट दिखता है पेंटिंग और एक पेंटर पेंटिंग में उनके आंखों में और एक एक पेंटिंग में आंखें में इतना कॉन्सेंट्रेट किया जैसे इट लुक्स रियल वो ऐसे पेंटिंग जैसे नहीं लगते वो एक फोटो या रियल लगता है क्या लगता है कि आपको जो कला है जो चित्रकारी का जो कला है ये जितना ज़्यादा विकसित होनी चाहिए थी विकास होना चाहिए था पॉपुलर होना चाहिए था वो बहुत कम क्यों है आम लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि आप मीडिया में बता रहे टीवी का जैसे गाना और डांस का इतना पॉपुलैरिटी हो गए ऐसे स्किल्स स्पेसिफिक स्किल्स बोलते हैं इंग्लिश में ये तो इनबॉर्न टैलेंट्स है ये तो डेवलप होनी चाहिए तो उसके लिए सेंटर्स वर्कशॉप्स बहुत कम है हमारे देश में इसलिए इसका विकास भी कम है मतलब क्या करना चाहिए इसको इसका वर्कशॉप्स लगनी चाहिए हर स्कूल और हर कॉलेज में सिर्फ कॉम्पिटिशन्स नहीं लेकिन क्लासेस भी रखना चाहिए जैसे समर वेकेशन में समर कैंप्स भी रख सकते हैं हर वेकेशन और हर स्कूल में ये एक पार्ट होनी चाहिए Do you think there should be a greater exposure for fine arts? Exactly, there is greater exposure for fine arts in this country and in every state, every city. But there should be a workshop like this for painting. Every type of painting, there are several types of paintings. There is oil, there is watercolor, charcoal painting. ऐसे एक-एक चीज के लिए एक-एक workshop होना चाहिए जो कि interested students हैं from kindergarten talent बनना ही चाहिए. Competition से नहीं, सिर्फ competition के लिए ये तो टैलेंट ऐसे जो भी है उसको बनाना चाहिए हम उसको मदद करनी चाहिए इसलिए वर्कशॉप्स रखनी है हर स्कूल और हर कॉलेज में आप भी दिलचस्पी रखती हैं चित्रकारी में मैं तो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऐसे पेंटिंग्स देखने की मुझे बहुत शौक है लेकिन मुझे ये टैलेंट नहीं है ये हर एक इंसान के नहीं होते जिसको भी ये टैलेंट है ये बहुत लकी है इसलिए मैं बता रही हूँ इसका विकास होनी चाहिए